हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या मतलब है? यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन है हमारे पास, इसको एक टर्म से पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को बोला जाता है पीपीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल, मतलब कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, प्रोडक्शन प्लानिंग और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्शन कंट्रोल। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। अब इन दोनों का मतलब क्या क्या है? सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग क्या आ गया? प्रोडक्शन प्लानिंग आ गया कि हमने कुछ ना कुछ जो है प्लान करना है कि हमारी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए इतनी लेबर चाहिए, इसके लिए इतनी कैपिटल चाहिए, इसके लिए इतनी मशीन चाहिए, इक्विपमेंट प्रोसेस शेड्यूल। ठीक है, ये सारी चीजें जो पहले प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, प्रोडक्शन से प्री प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन से पहले की जाने वाली प्लानिंग को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी लेबर चाहिए, कितनी जो है टाइम कितना लगेगा, शेड्यूल बनाना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, प्रोडक्शन प्लानिंग में आएंगी। जो चीजें अपन ने प्लान की हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद उनको क्या करना, अब उन पे नजर रखना, इंस्पेक्शन। ठीक है, और जो है वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इंस्पेक्शन करना, उसको जो है कितनी लेबर जो है लेबर को हायर करना, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रोडक्शन प्लानिंग, जो प्रोडक्शन से पहले करेंगे, उसके बाद जो टूल्स ले रही है उनको कैसे काम करना है, कितना काम करना है, कब काम किया उन्होंने, ठीक है, वो काम को सारे को नजर रखना, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कंट्रोल। तो दो तरीके के अपने पास पीपीसी के अंदर जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर इसको लागू किया जाता है पीपीसी को। तो इन दोनों के बारे में सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स विद, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स With, जो प्रोसेस होना है उससे पहले के जो आप कुछ भी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स विद मैनेजमेंट जैसे लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट डिसीजंस। कोई डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने वो किसमें आएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। ठीक है, डिसीजंस एज हाउ टू मेक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी कैपिटल लगेगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, हाउ मच इज टू प्रोड्यूस, कितना बनाना चाहिए, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, हाउ टू मेक, कैसा प्रोसेस, कैसे बनेगा, कितना बनाना है। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, मटेरियल रिक्वायर्ड, मैन पावर रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें क्या है,
प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आती है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट डिसीजन एज हाउ टू मेक, हाउ मच इज टू प्रोड्यूस, मटेरियल रिक्वायर्ड, मैन पावर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, प्लानिंग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका, ये सारी चीजें। और दूसरा क्या था इसके अंदर, प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, दोनों के अंदर पूरी डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने प्रोडक्शन प्लानिंग की अलग से डेफिनेशन लिखनी है, प्रोडक्शन कंट्रोल की जो है अलग से लिखनी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई, इंप्लीमेंटेशन, इसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लांस, प्रोडक्शन प्लांस। अब अपने जो प्लांस बनाए थे उनको जो है इंप्लीमेंट करना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपन ने इंप्लीमेंट कर दिया उसके बाद काम खत्म, नहीं, अपन ने उसको जो है प्रॉपर उसके ऊपर अटेंशन भी देनी है कि कितना जो है कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटेड प्रोडक्शन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आर कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटेड, उनके ऊपर इवेल्युएशन की जाती है कंटिन्यूसली। ठीक है, और क्या किया जाता है अब, और जो है उसके ऊपर कि कैसे काम चल रहा है, वो सही से चल रहा है, गाइड किया जाता है उनको और डायरेक्ट किया जाता है, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, जो इवेल्युएट किया जाता है उनको ऑपरेशंस को, और गाइड किया जाता है और डायरेक्शन दी जाती है उनको कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज के ऊपर नजर रखी जाती है, तभी जाके आपके पास जो है सही जो प्रोडक्शन कंट्रोल है वो कैरी करता है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, एक पीपीसी नाम का जो है आप इंप्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, एक ब्रांच बिठाई जाती है, उस ब्रांच को ये काम सौंपा जाता है कि आपने ये करना है, और वो ब्रांच जो है कंटिन्यू उसके ऊपर नजर रखती है कि कैसे वो जो है वो होना है। ठीक है, अब पीपीसी की जरूरत क्यों है, पीपीसी की नीड क्या है, नीड, जरूरत क्या थी पीपीसी की। ठीक है, तो पीपीसी क्यों जरूरत पड़ी पीपीसी की, जब आपा ने क्या किया, आपा ने प्रोडक्शन कर रहे थे आपा, तो प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कि अब आपके पास क्या है, प्रॉपर वे नहीं है कि किस तरीके से आपा जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। ठीक है, तो पीपीसी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को, सबसे पहले प्लान करता है कि ये चीजें जो है इनके ऊपर काम होना चाहिए, उसके बाद वो प्लान्स जो है उनको इंप्लीमेंट करता है, फिर उनके ऊपर कंटिन्यू उनको डायरेक्ट करता है ताकि वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो इट इज नीडेड टू अचीव, पीपीसी की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, इट इज नीडेड टू अचीव, ये जरूरी है अचीव करने के लिए, क्या क्या चीजें अचीव करता है ये, सबसे पहले इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, कुछ भी आपके पास है, मैन पावर है, मटेरियल है, उसको सही से यूटिलाइज करना, सही तरीके से उनको काम में लेना। कई बार क्या होता है, वर्कर्स जो है वो फ्री रहते हैं, ठीक है, आप उनको कुछ बंदे काम कर रहे हैं और दूसरे फ्री हैं, क्योंकि प्लान इफेक्टिव नहीं है। आपने क्या कर रखा है, एक ड्रिल मशीन लगा रखी है, उसके ऊपर दो बैचेस काम करते हैं, एक जब काम कर रहा है तो दूसरा फ्री है, जब दूसरा काम कर रहा है तो दूसरा फ्री है। ठीक है, तो ये क्या है, इफेक्टिव प्लान नहीं है, तो उसको यूटिलाइज करना, जो रिसोर्सेज है, मैन पावर है, उसको यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कहलाता है। ठीक है,
दूसरा इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अपन ने अचीव करने हैं इससे, लाइक दैट इज क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी चाहिए उसके लिए अपन ने प्रोडक्शन प्लानिंग की है, ठीक है। जब आपको क्वांटिटी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी कॉस्ट कंट्रोल करना है, ठीक है, या टाइम कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें क्या है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए भी आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है पीपीसी, उसको इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, ताकि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाया जा सके, या फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हो, क्वांटिटी को इंक्रीज करना, या फिर कॉस्ट को, कॉस्ट कंट्रोल करना प्रोडक्ट का, या फिर टाइम को कम करना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए, उसके बाद क्या है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो, जो प्रोडक्शन फ्लो है उसके अंदर कोई इंटरप्शन ना आए, उसके लिए आप इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो। अब इसका क्या मतलब है, देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे चार लेथ मशीन्स हैं, ठीक है, लेथ मशीन्स के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, या लेथ मशीन नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा है जो पीस को कट करता है, ठीक है, रेक्टेंगल पीस को कट करके भेजता है, उसके बाद आपके पास एक मशीन है जिससे वो ड्रिल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन है, उसके बाद वो जाता है फिर से आगे जो है कहाँ पे, असेंबली के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस है, तीन जगह पे आके असेंबली के अंदर भी जाता है, या हो सकता है एक ही जगह पे जाता हो, ठीक है। आपके पास ड्रिलिंग मशीन एक है, यहाँ पे ये भी पीसेस बना के भेज रहा है इसको, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे ये भी, मान लो गलती से ये मशीन खराब हो गई तो सारी प्रोडक्शन रुक गई, यहाँ पे इंटरप्शन आ गई, ये वर्ड आ गया इंटरप्शन, इंटरप्टेड हो गया, ये वाली मशीन खराब हुई एक घंटे के लिए, तो इन मशीनों का काम किया हुआ भी वेस्ट हो गया, क्योंकि ये मशीनें काम कर रही हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू कब होगी, जब आगे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। तो क्या किया जा सकता था, यहाँ पे एक मशीन की बजाय यहाँ पे दो मशीन चलाई जा सकती थी, एक जो थी वो छोटी हो सकती है या बराबर की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो गया अनइंटरप्टेड। ये क्या कर दिया मैंने, एक प्लान किया कि एक मशीन अगर और लगा दी जाए तो यहाँ पे इंटरप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, बाय चांस एक मशीन खराब हो गई तो दूसरी मशीन उतना काम करती रहेगी अपना, ठीक है, उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा ताकि वो आगे प्रोसेस को कंप्लीट करती रहे, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग, तो इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे वो प्रोडक्शन को अनइंटरप्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए प्लान करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अनइंटरप्टेड पावर जो है प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, क्वालिटी के लिए आप इसको यूज करेंगे, तो ये तो मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, जो है अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बाहर जाए, टू रिड्यूस वेस्टेज, टू रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को कम करने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, पीपीसी यूज करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज करना, यही तो आपने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल पीस आया, आपने उसमें से एक सर्कुलर पीस निकालना था, तो बाकी का जो मटेरियल था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें से एक और सर्कुलर पीस नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है वेस्टेज, ठीक है, जितनी भी ये निकल रहा है ये क्या है, वेस्टेज। तो आप एक मटेरियल से कितना ज्यादा से ज्यादा यूज ले सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो वेस्टेज को रिड्यूस करके रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना भी क्या कहलाता है, पीपीसी कहलाता है, वो भी पीपीसी के अंदर आता है, ठीक है। तो पीपीसी बहुत सारे चीजों के अंदर काम करती है, सबसे पहले तो मटेरियल की वेस्टेज को रिड्यूस करती है, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है, काम को टाइम को कम करती है ताकि कम टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये सारे काम जो है वो पीपीसी करती है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी, तो जो अपन ने अभी लिखा है इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, टू कंट्रोल सप्लाई,
ठीक है, जो है गोल को हाईएस्ट एफिशिएंसी को अचीव करना, वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जो जरूरत होती है वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब जरूरत क्या थी इसकी कि जो है वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है, टू कंफर्म डिलीवरी कंपोनेंट्स, डिलीवरी कब होगी कितनी होगी उसको कंफर्म करने के लिए, टाइम का मैंने बोला ना कि टाइम के ऊपर काम होए, तो वो भी प्लानिंग है, ठीक है। तो अच्छा प्लान करेंगे तो टाइम के ऊपर आपका काम होएगा, तो आपका जो डिलीवरी जो आपने करनी है वो भी इन टाइम हो जाएगी, ठीक है। जो है मैन मशीन मटेरियल जो भी है आपके पास उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जरूरत ही होती है, ठीक है। अगर आपने कोई फोन लिया है तो उसकी नीड क्या थी कि आपको कॉलिंग के लिए जरूरत पड़ी उसकी, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कॉलिंग करना, आपको कोई जरूरत थी पर्सनली आपने इंटरनेट के लिए यूज करना था, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, कॉलिंग करना, इंटरनेट यूज करना, टू यूज इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है उसकी ऑब्जेक्टिव्स। तो अब अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, वही ऑब्जेक्टिव्स आगे जो उसकी जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी, कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट से मतलब कि जो इसके फंक्शंस जो है प्लानिंग और कंट्रोल के हिसाब से आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, आप ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं फंक्शंस, फंक्शंस भी यही आगे, कंपोनेंट्स भी इसके यही आगे। तो जो कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला क्या है ग्रुप, कौन सा होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन प्लानिंग कंपोनेंट्स। दूसरे कौन से होते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या आ गया, सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ प्लान किया, प्लान सबसे पहले क्या आ गया, प्लानिंग, ठीक है, या प्लान कह सकते हो या प्लानिंग। उसके बाद उस प्लानिंग के हिसाब से आपने प्रोसेस को रूट किया, तो रूटिंग, रूटिंग। उसके बाद उसी प्लान के हिसाब से आपने डिसीजन लिए, ठीक है, कि ये प्रोसेस ऐसे होगा, उसके बाद उसको क्या क्या मशीन्स को कब लोड किया जाएगा, ठीक है, तो लोडिंग। नेक्स्ट क्या हो गया, फोर्थ, अब आपके पास क्या है, आपने रूटिंग जो रूटिंग प्लान की, रूट क्या रहेगा, लोडिंग प्लान की, कब लोड होंगी मशीन्स, और लास्ट क्या है, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब कि कब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है, प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, प्रोसेस की कंप्लीशन की डेट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ प्लान किया, उसके हिसाब से उसको प्रोसेस को रूट किया, उसके बाद आपने लोड किया मशीनों को और शेड्यूल किया, लोडिंग ऐसे होगी ये डिसाइड किया, पहले सोच रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अभी प्लान, अभी जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले की बात है लोडिंग, और फिर क्या आ गया, शेड्यूलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोडक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो प्रोडक्शन कंट्रोल कौन कौन से, सबसे पहले डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग ठीक है, डिस्पैच करना कुछ ना कुछ बना के, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप, अब क्या है, जो अपने प्लान बनाया है उसको फॉलोअप करना, फॉलोअप। उसके बाद लास्ट क्या है, इंस्पेक्ट करना कि क्या वो प्रोसेस सही बन रहा है, प्रोडक्ट सही बन रहा है।
ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पीपीसी हैं, ये है सारे कंपोनेंट, सात जो है कंपोनेंट्स हैं, प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलो अप एंड इंस्पेक्शन, सात कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास पीपीसी के हैं। तो इसके बारे में अपन जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन रूटिंग, ये सारी चीजें क्या होती है। अब जो प्रोडक्शन है वो किस किस प्रकार की हो सकती है, ये तो आगे कंपोनेंट। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन जो अपन ने इनपुट दी और उससे जो आउटपुट बनी वो क्या होगी, वो होगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, अपन ने कुछ ना कुछ इनपुट्स दी, उससे कुछ ना कुछ आउटपुट मिली अपने को, वो आउटपुट क्या कहलाती है, वो प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो अब जो आउटपुट होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन ये है, आउटपुट के टाइप्स या प्रोडक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्रोडक्शन को जो है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, पहला तो होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, या इंटरमीडिएट या इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। इंटरमिटेंट मतलब के जो है इंटरप्ट हो गई, इंटरमिटेंट मतलब के रुक रुक के प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, एक साथ कंटिन्यू नहीं हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रुकावट्स हैं, उनको बोलते हैं इंटरमिटेंट। अब दो तरीके की प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शंस होती हैं, इंटरमिटेंट प्रोडक्शंस जो होती हैं ये फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है हमको। पहला कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो अभी आएगा, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो कंटिन्यू चल रही है, प्रोडक्शन एक बार जो प्रोसेस चल दिया शुरू कर दिया वो कंटिन्यू चल रहा है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन जो होती है वो आगे फिर से दो तरीके की होती है, जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो प्रोडक्शन थी उसके तीन टाइप आ गए, कौन कौन से, सबसे पहला है कंटिन्यूस प्रोडक्शन, दूसरा कौन सा है जॉब प्रोडक्शन, तीसरा कौन सा है बैच प्रोडक्शन, ठीक है। तो जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन को कॉमनली आप क्या कहते हैं, कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, और जो कंटिन्यूस वाली होती है उसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहले अगर आप बेसिक समझे इसका, इसकी डेफिनेशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक के बाद एक कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। जैसे कि आपके पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक के बाद एक हो रहे होते हैं, जैसे कि बोल्ट बना रही है कोई इंडस्ट्री, ठीक है, तो बोल्ट इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि एक बोल्ट बनाने के बाद उसके बाद रेस्ट पे चली जाएगी, वो कंटिन्यू बनते रहते हैं, ठीक है, सारा दिन रात 24 घंटे इंडस्ट्री चलती रहती है और हर टाइम वो बोल्ट बनाती रहती है, शिफ्टों में काम होता है। हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी हो जो 18 घंटे काम करती हो, कोई कंपनी ऐसी हो जो 20 घंटे काम करती हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी जो 24 घंटे काम करती हो, उसके अंदर बैच बने रहते हैं, पहला बैच जो है वो अब काम करेगा, दूसरा फिर काम करेगा, तीसरा फिर से काम करेगा, तीन शिफ्टों में काम होता है और वो शिफ्टें जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, कंपनी 24 घंटे वर्किंग रहती है, तो वो कौन सा होता है, वो कंटिन्यू प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, वो 24 घंटे कंपनी चलेगी, ठीक है, और वो सारा दिन काम करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के अंदर अब दो तरीके से इसको आगे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन, कोई एक काम स्टार्ट कर दिया, लाइक डैम बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के ऊपर सारा का सारा प्रोसेस, पूरा जो प्रोडक्शन कंपनी थी सारी की सारी वो लग गई, सारे वर्कर लग गए, सब जो आपकी यूनिट्स थी सारी आपने एम्प्लॉय कर दी, ठीक है,
तो इतने के बाद वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई। बिल्डिंग कंप्लीट होते ही काम खत्म, जॉब डन। आपकी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, बिल्डिंग बन चुकी है, आपके लिए कोई ना कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी है? प्रोडक्ट बेस्ड है जॉब। कोई भी जॉब, एक जॉब मिली, आपने डैम बनाना था, डैम बनाया, काम खत्म, उसके बाद फिर से अगला काम स्टार्ट होगा। तो ये क्या है? एक जॉब टाइप है, मतलब एक जॉब काम, एक काम किया, उसके बाद कंपनी जो है कुछ ना कुछ और काम करेगी। सब कुछ अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, काम अलग होगा, ठीक है, सारी चीजें अलग होगी। उसके बाद क्या है लास्ट, क्या आ गया? बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन से क्या मतलब है, ध्यान दो। बैच मतलब कि कुछ ना कुछ एक यूनिट, पूरी यूनिट ने क्या काम किया, बैच कुछ ना कुछ एक बैच के ऊपर काम किया। लाइक कोई काम था, जैसे किसी एक काम की, एक जो है बैच ने, उसने क्या किया, एक बैच के ऊपर आपने क्या काम किया, उसके ऊपर ड्रिलिंग का काम किया, ड्रिलिंग हो गई उसकी, उसके बाद किसी और के पास भेज दिया, वो क्या करेगा, उसको बोरिंग करेगा, ठीक है। बस वो वही बैच है, उसी के ऊपर काम हो रहा है। बैच आपने तैयार किया, उसके ऊपर सबसे पहले ड्रिलिंग हुई, फिर उसके बाद जाके कोई और बोरिंग का काम होगा, वो बैच कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है दूसरा बैच कुछ अलग काम का हो, ठीक है। तो ये क्या है? बैच प्रोडक्शन है, एक बैच तैयार करना। तो ये तीन तरीके की प्रोडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे, जो पीपीसी के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।